सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Realme C11 डिवाइस के अंदर आप जो है डाटा सेविंग सेटिंग को यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आपका डाटा बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा है, 1 GB आपको डाटा मिलता है एक दिन का और आपने उसको 30 मिनट या फिर 1 आवर्स ही यूज करा या फिर आधा दिन ही इस्तेमाल करा और आपका जो है डाटा खत्म हो चुका है, तो ऐसे केस में इसमें एक सेटिंग्स होती है फोन्स में जिससे आप अपने डाटा सेवर सेटिंग को इनेबल करके अपने डाटा वगैरह को बचा सकते हैं। आप देखो गाइस, इसमें दो कंडीशन है। पहला तो अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखते हैं या रील्स वीडियो ज्यादा देखते हैं जो 60 सेकंड और 30 सेकंड की होती है, उसमें रेजोल्यूशन कम करने का ऑप्शन नहीं होता। तो जितना भी आप स्क्रॉल करेंगे, जितना भी स्वाइप अप करते जाएंगे, जब रेजोल्यूशन उसमें कम करने का ऑप्शन नहीं होता, डेफिनेटली वहां पर आपका इंटरनेट बहुत ही ज्यादा खत्म होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, पहला तो टिप्स ये है। दूसरा, अगर आपके फोन के अंदर कोई बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रही है, ऑटोमेटिक ही आपका डाटा यूज कर रही है, तो ऐसे केस में आप डाटा सेवर को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रील्स ज्यादा देखते हैं तो इसमें डाटा सेवर भी काम नहीं करेगा, वहां पर आपका डाटा जो है वो जाएगा। अगर आपने स्वाइप अप वाला सिस्टम आपने ऑलमोस्ट 30 मिनट तक कर दिया, तो आपका 1 GB 2 GB डाटा ऑटोमेटिक ही चला जाएगा, फिर इसमें आपको डाटा सेविंग कोई काम नहीं देगा। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते और आप ये नॉर्मली आपका डाटा जो है खत्म हो जाता है, तो आप डाटा सेवर लगा सकते हैं। तो मैं सेटिंग्स आपको बताता हूं, आप जाके इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। गाइस, डाटा सेवर के लिए हमें सेटिंग को ओपन करना होगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे नहीं आना है, आपको ऊपर ही एक सेटिंग्स मिल जाती है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा वाला। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे, अगेन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, एक कॉल सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है हमें। ये कॉल सेटिंग के ऊपर एक डाटा यूजर्स भी आपको दिखाई दे रहा है, तो डाटा यूजर्स जो है आप यहां से देख सकते हैं। वैसे तो रियलमी और ओप्पो के डिवाइस जो होते हैं ऑलमोस्ट आपको सेटिंग सेम मिलती है, बिकॉज कंडीशन ये होती है कि एक ही ऑप्शन को ये लोग बार बार हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं बहुत जगह पे। मैंने देखा है कि सेटिंग्स को मैंने कई जगह पे देखा, यहां पर भी आपको मिल जाती है। अगर आप सर्च करेंगे, अगर उसके अंदर मैनुअली चेकआउट करेंगे, तो आपको ये सेटिंग्स और भी जगह पर देखने को मिल सकती है। अभी यहां पर आइए, डाटा यूजर्स पे क्लिक करिए। अब देखो, डाटा सेविंग को ऑन करना है तो डाटा सेविंग यहां पर है, एक बार इसको प्रेस करिए। अब इसको इनेबल कर दीजिए, इसके बाद टर्न ऑन कर देंगे हम। एक यहां पर इस तरीके से ड्रॉप की तरह, वाटर ड्रॉप की तरह, जो आप बबल की तरह देख रहे हो, ये एक आइकन आ चुका है हमारे पास। अब ये हमें बता रहा है कि हमारा डाटा सेवर इनेबल हो चुका है। बिगेस्ट कंडीशन ये है कि मान लो अगर आपने डाटा सेवर को ऑन कर दिया, अगर आपने किसी एप्लीकेशन को ऐसे ही रन करना जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, जैसे देखो एप्स विद अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजर्स का ऑप्शन है। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप ज्यादा यूज करते हो या उसमें नेट की आपकी अच्छी रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप इस तरह से ऑन कर दीजिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा सेटिंग्स, उसमें प्रॉपर जैसे इंटरनेट चलता है वैसे ही चलेगा। और इसके अंदर देखो, जब ऑन करेंगे डाटा सेविंग मोड, तो आपका हॉटस्पॉट वाला जो फीचर है वो बंद हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, बाद में अगर आप बोलोगे कि सर हमने चालू तो कर दिया, हमारा हॉटस्पॉट भी बंद हो चुका है। देखो, इसी से बंद होगा, जब आपको उसे वापस करना हो तो आप इस डाटा सेविंग को बंद करना और आपका हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ ऑन हो जाएगा। सो गाइज, ऐसे ही आपको डाटा सेविंग सेटिंग को इनेबल करना है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे कैसे करना है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।